लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी भैया, आज मुझे ढेर सारे लोगों के इंटरव्यूज लेने हैं, इसलिए ढेर सारे सवाल तैयार करने पड़े। बहन जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कोई ढंग का काम करें। ये रिसर्च रिसर्च में क्या रखा है? विमेन ऑफ इंडिया पर रिसर्च करना ढंग का काम नहीं है भैया। अच्छा बाबा, जो तुम्हारे मन में आए करो, मैं चला ऑफिस। बाय बाय बंटी। आंटी, वुमेन ऑफ इंडिया की बजाय आप बॉयज ऑफ इंडिया पर रिसर्च क्यों नहीं करती? बॉयज में क्या रखा है? क्या रखा है? मुझे देखो, मेरी उम्र 7 साल है, 10 साल की 10 लड़कियां मुझे लाइन मारती हैं। क्या ये रिसर्च के लिए काफी नहीं है? क्या 10 लड़कियां तुम्हें लाइन मारती हैं? हाँ हाँ, बदमाश। अरे बाप रे, अरे बाप रे मौसी, वो लड़की तो फिर से आ रही है। बाप रे, उल्टे सीधे सवाल करके फिर से जान खा जाएगी। चलो चलो भागो, चलो 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 चलो। अरे खराबी मौसी। अरे बाबा नहीं मौसी, कुछ मेरी बात तो सुनो। बस एक ही सवाल, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। पार्वती बहन कैसी हो? नहीं बाबा नहीं। अरे सुनो तो, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मेरे मर्द के आने का टाइम हो गया, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं चल। मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो मैंने तुमसे कहा था वो तुमने किया? अब तुम्हारा पति कैसा है? पहले से भी ज्यादा दारू पीने लगा है और अब तो पी के मुझे मारता भी है। अच्छा हाँ। तो तुम एक काम करो, अगर वो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तुम उसके दोनों गालों पर थप्पड़ मारो। अगर वो एक लात चलाए, दोनों लात चलाओ, तब ये मर्द लोग ठीक रहेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर तुम्हारी ये शिक्षा सबने मान ली तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? हर घर कुश्ती का अखाड़ा बन जाएगा, फिर एक भी पति पत्नी का जोड़ा साथ नहीं रह पाएगा। नहीं रहता है तो ना रहे, लेकिन अब मर्दों की अकड़ नहीं चलेगी। औरतें किसी बात में उनसे कम नहीं, जो काम मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। अच्छा, तो जैसा जैसा मैं करूंगा वैसे वैसे तुम करोगी? जरूर करूंगी, ये देखना पड़ेगा। सुनिए बहन जी, आप इधर आइए, आप भी आइए, आप लोग भी आइए। देखिए, इन्होंने मुझसे शर्त लगाई है कि जो मैं करूंगा वैसा ही ये करेंगे, है ना? हाँ। तो शुरू करें? करिए। वाह वाह, क्या आंख मारती है, वाह वाह क्या बात है। अब देखिए, चलो तारो, चलो चलो रुक क्यों गई, उतारो। अरे मैम साहब, कहां भागी जा रही हो, आप शर्त पूरी करो ना। अरे गीता, देख मैं तेरे लिए क्या लाया, देख। अरे क्या हुआ, तू रो रही है, क्या हुआ, तुझसे किसी ने कुछ कहा, बता ना। अगर ऐसा है तो उस कहने वाले का मुंह फाड़ कर दरवाजा बना दूंगा। बता किसने क्या कहा तुझसे? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रही है, बता ना। देख देख, मेरे से तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, बता बता। भैया, मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि हाफ ईयरली एग्जाम में मैं टॉप करूंगी। हाँ। मगर मैथ्स में मुझे 100 में से 2 नंबर कम मिले, इसलिए मैं सेकंड हो गई। 2 नंबर से तो सेकंड हो गई। मगर ये हो कैसे सकता है? मैं जानता हूं कि तू मैथ्स में सबसे होशियार है, तेरे को 100 में से 100 मिलने चाहिए। ये कौन था, कौन है ये प्रोफेसर जिसने नंबर दिए? कौन है ये? वही प्रोफेसर भोसले, बता बता, वही ना भोसले। तुम अपने आप को लाडसा समझते हो क्या? अगर मेरी बहन को 2 नंबर मैथ्स में और दे देते तो क्या होता, तुम्हारा कलम घिस जाता, तुम्हारी उंगली टूट जाती। अरे पर भाई, तुम हो कौन? मैं गीता का भाई नरेश हूं। अगर अगर तुमने मेरी बहन को 2 नंबर और नहीं दिए ना, तो मैं पता नहीं क्या 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 कर दूंगा। मेरी गर्दन छोड़ो। क्या कर रहे हो, इसमें इनकी क्या गलती है? जितना मैंने लिखा उस हिसाब से सर ने मुझे नंबर दिए। अरे बड़ा आया हिसाब वाला, बोलो 2 नंबर बढ़ाओगे या नहीं? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी बहन के सिर्फ 2 नंबर नहीं बल्कि 5 नंबर बढ़ा दूंगा बस। हाँ। अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, अब तुम जाओ। कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बुला लेना। हाँ हाँ, बुला लूंगी। सर,
ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल भैया मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गीता बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा प्यार करने वाला भाई मिला है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हाय भारती। हाय। हाउ आर यू मिसेस नंदी शंकर? भाई बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। कैसा चल रहा है तुम्हारा रिसर्च वर्क? चल रहा है। अच्छा सुनिए सुनिए, मिस भारती भारतीय नारियों पर रिसर्च कर रही हैं। मैं ये चाहती हूँ कि भारतीय नारी की आज क्या स्थिति है इसके बारे में मिस भारती हमें कुछ बताएं। हाँ जरूर जरूर, बताओ नी बाबा। पहली बात तो ये है कि हमारा समाज औरतों को सती तो धूमधाम से करता है मगर जीने का अधिकार नहीं देता। अरे वेट मैडम, अरे जरा तिक्खा तिक्खा चटनी लेके आओ नी, जाओ। तिक्खा है बाबा तेरा, लिमका पिएगा थोड़ा। आजाद हिंदुस्तान में कब तक गुलाम औरतें पैदा होती रहेंगी? अरे ओ वेटर, कब से समोसा बोला है नहीं, जल्दी लाओ बाबा। ओहो मिसेस गिडवानी, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और तुम बीच में चिल्लाए जा रही हो। तो क्या करेगा बाबा, पकोड़ा छोड़ के क्या भाषण खाएगा? और कौन सा नया टॉपिक है? अरे औरतों के बारे में तो गांधी जी के टाइम से लोग बोलते चले आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया है। मेरी रिसर्च के मुताबिक औरतों की हालत में पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अरे ये सब कहने की बातें हैं, सच्चाई तो ये है कि औरतों की हालत और बुरी होती जा रही है। अरे पहले तो औरत अकेले घूम फिर सकती थी, अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है बाबा, चोर डाकू लुटेरे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे मन का डर है। अरे अगर तू इतनी बहादुर है तो रात के 12 बजे नेशनल पार्क में जो गांधी जी की मूर्ति है नी, उसके गले में तू फूलों का माला डालकर आ सकती है क्या? ऑफ कोर्स बोलती है चड़ी। अरे अकेले जाना पड़ेगा? हाँ 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 अकेली जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तेरे को 1000 रुपया देगी, और अगर तू नहीं जा पाई तो मैं आपको 1000 रुपया दूंगी। अरे भाई लोगों सुना, 1000 रुपया देगी, नलनी सुना, 1000 रुपया देगी, ला हाथ मिला। रात नू हाथ च माला लैके केड़ा बार लभदी फिरदी है? मैनू लभ लिया मेरी है। तू ज्यादा सोना है। हां वेख हुन डाल दे मेरे गले च वर माला तो। शट अप। अरे मेरे गले में डाल दो ना। अरे मेरे गले किसे गले से छोड़ दे मुझे। जानते हो मैं कौन हूँ? डीएसपी राठौड़ की इकलौती बहन। साले भाई थानेदार तो अंदर का है क्या? बंद हो जा। छोड़ दो मुझे। थैंक यू ना धन्यवाद, ऊपर से गाली देके जा रही हो। मैंने तुमसे बोला मेरी मदद करो, मेरी शर्त का सत्यानाश कर दिया। शर्त? अरे अगर मैं नहीं आता तो क्या हो जाता पता है? क्यों क्या हो जाता? लोचा हो जाता। हाँ हाँ जा। लड़ी ये 5 लाख रुपए सेठ ललवानी ने दिए। अरे ये मेरी शॉपिंग के लिए 10,000, अब इसमें रह गए सिर्फ 4,90,000। एक मिनट, अब इसमें रह गए 4,80,000। थैंक यू डैडी। इस तरह इसका दिमाग खराब हो जाएगा, आप इसको इतने रुपए क्यों देते हैं? इसलिए कि जब से रजनी पैदा हुई है मेरे स्मगलिंग के धंधे ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की है। अरे रजनी हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। क्यों बेटी? करेक्ट डैडी। ये अंदर रखो।
जी रेडी। हेलो, मैं आपका 10 पैसे का पार्टनर बोल रहा हूँ। कौन पार्टनर? तमड़ी लाल। ओ साहिबों के साहिब, हाईवे से हमारा 25 लाख रुपए का माल आ रहा है और उधर ही पुलिस का सख्त पहरा है, कहीं हमारा माल। आज तक ऐसे हाथ पैदा नहीं हुए जो विकराल सिंह के माल को छू सकें। हमारा माल हाईवे से नहीं, जंगल के रास्ते से आ रहा है।